हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एनिसम ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे गाइस, कमेंट बॉक्स में देना। तो गाइस ऐसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस हम लोग न्यू वीडियो आप लोग के लिए ला चुके हैं। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेकअप वीडियो। आज हम आपको मेकअप करना सिखाते हैं, कैसा मैं करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को बात कीजिएगा, ठीक है, और हमारे साथ रहिए। तो आइए फेस करते हैं। तो ये देख सकते हो, मैं ये पहले मैं लगाऊंगा फेस क्लीनर, ठीक है। तो यूज करेंगे आपको, मैं यूज करता हूँ ये रोज का, इससे क्लीन करते हैं। देख सकते हो ये रोज है, इसमें से एक ऐसे लेयर लेंगे, ठीक है। ये क्लीनर है, इसको छुड़ाने में भी काम कर सकते हो। और इससे जो आपकी गंदगी है चेहरे की खट जाती है, उससे चेहरे पे दाने नहीं निकलते, ठीक है। तो गाइस इसको लगाने पर सुखवा लेना अच्छे तरीके चेहरे पे, ओके, ये सूख जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको हम बाजू में रख लेंगे। और मेरे पास ये दो प्राइमर है, एक जारा का है और एक पता नहीं किसका है, ठीक है। तो मैं इसमें से यूज करूँगा ये वाला, क्योंकि ये मैंने नीम लिया है और नीम यूज करूँगा कैसा है कैसा, ठीक है। ये प्राइमर है, प्राइमर आपको ज़्यादा ही लेना है क्योंकि पसीना आपका होता है मेकअप का, ठीक है। ये मैंने इतना ज़्यादा प्राइमर लिया है और इसको हम चेहरे पे इस तरीके से, ठीक है, इधर ऐसे से करके इसको हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। और ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, ऑयल वाले स्किन के लिए ज़्यादा सही, इसको यूज़ मत करना, ठीक है। अब इसको भी सुखवा लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। पंखा एसी, अरे क्या बोलते हैं, कूलर भी चल रहा है इधर, पंखा भी चल रहा है, पर हवा एक भी नहीं लग रही, ठीक है। तो इधर को थोड़ा ठाक, ठीक है, ओके। तो कहीं इसको मेरा प्राइमर सूख चुका है, तो अब हम यूज़ करेंगे ये करेक्टर, ठीक है। ये मूछों को छिपाने के लिए होता है, थोड़ा डार्क है, ओके। तो मुझे पे लगा गए ये, यहाँ पे इसको अच्छे से ले लो और थोड़ा जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पर आपका थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बाल दिख रहा है इस, वहाँ पर अच्छे से इसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा दबा के यूज करना है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था गाइस, करेक्टर को अच्छे से यूज कर लेते हैं। इसको भी सूखने देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो गाइस वो ये जो करेक्टर यूज है, तो जाने के बाद अब हम यूज करेंगे इसके लिए फाउंडेशन, ठीक है। थोड़ा सा गाइस मैंने निकाला था गाइस, तो मैं इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हो मैंने इतना सा निकाला है, ज़्यादा ही वाइट नहीं यूज करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिप मार के रहता है धीरे धीरे, ओके। अब फेस पे लगाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हमने इसको यहाँ पे यूज करेंगे, पहले आईज के पास इधर इधर, ठीक है, रहता है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ 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 और यहाँ पे भी यूज करेंगे। और इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करके सुखवा लेंगे, और सूखने के बाद हम यूज करेंगे ये भी है, दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो, हम यूज करेंगे कंसीलर मेरा,
छोटा सा साला 250 का, मैं सोच रहा था उनको यूज करेंगे आई। और देखते मेरे बाल गाइस होते हैं, मेरा बाल पट्टा नहीं मिला, मेरा रहा था गाइस पर गिरे इतना। और इसको वहाँ पे नहीं इसको यूज करेंगे इधर, इसको हम यूज करते हैं स्किन से मैच करने के लिए। भी लगा लेंगे और इसको जहाँ जाए थोड़ा मोड़ा ऐसे रख सकते हैं, इसको भी इधर रख देंगे हम लोग साइड में। अब हम इससे ड्यूटी पर ऐसे थे ताकि स्टीम ट्यून से मैच हो जाए गलत। थोड़ा उससे ये ऐसे कुछ पहले सकते हैं और थोड़ा कलर का टोन दिख रहा होगा, ज़्यादा वाइट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे इधर दिखाइए, अब हम यूज़ करेंगे ये होने के बाद हम यूज़ करेंगे लूज पाउडर। ठीक है, इधर इसको ऐसे करेंगे, ये है लूज पाउडर, ये भी मार सकता है, इसको ऐसे पेटी बांटता है। ठीक है, इसको ऐसे करके एक तरीके का इस तरीके से निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या इसमें इधर। लगा ले ये नाइट पाउडर लगा ले, लाइट दे रहे Thank you.
मॉइस्चराइजर मेकअप छोड़ गया था मेरा जैसे, ठीक है तो अब मैं लगाऊंगा ये देखो कि ये इधर आई वर्किंग का ये लगाऊंगा अब डायरेक्ट आपको क्लींजर मेकअप मिलेगा, ठीक है आइए। तो गाइस मैं आज रेडी हो चुका हूँ, तो और ये देखिए और ये लुक बताइए गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को। बिना ऑडिटिंग के बेकार है, तो मैंने ऑडिटिंग कर लिया आप लोग कमेंट करते हैं कैसा लग रहा है आज का मेकअप मेरा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग मेरा वीडियो अभी शाम को 8 बजे आप लोग